नीम की खली को मैंने यहाँ पर इस बोतल में ऑर्गेनिक चीजें ही बनाकर स्प्रे कीजिए। इनका नाम आप बताएंगे कमेंट करके। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। आज का विषय है कीटनाशक को लेकर कि ऑर्गेनिक कीटनाशक हम घर पर कैसे तैयार करें, जो मार्केट जैसे कीटनाशक जो केमिकल वाले कीटनाशक होते हैं उनको भी ये जो है ना उससे भी आगे निकल जाए, उससे भी आगे काम करे। तो इस तरह से हम बनाएंगे और इसका प्रयोग करने का तरीका भी बताऊंगा, बनाने का तरीका भी बताऊंगा। वीडियो में अगर बने रहेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, अन्यथा कुछ चीज़ें देखकर अगर वीडियो से चले जाएंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बराबर कहता रहता हूं, अब जैसे गर्मी का टाइम शुरू हो रहा है, अब गर्मी की सब्जियाँ हम लगा भी रहे होंगे, हमने काफ़ी सब्जियाँ गर्मी की लगा ली हैं, तो अभी कुछ चीज़ें अपने ही गार्डन से लूँगा और उसी से मिलाकर कुछ चीज़ें बाहर की लूँगा और उनको मिलाकर मैं ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाकर तैयार करूँगा और उसी का अपनी बगिया में इस प्रयोग करूँगा। और कितने दिन तक स्टोर करके इसको रख सकते हैं, आपको बहुत लोग भ्रमित करते हैं कि इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, पर मैं अपनी बगिया में ही प्रयोग करता हूँ, किसी केमिकल पेस्टिसाइड का मैं प्रयोग नहीं करता। आइए चलता हूँ, मैं अपनी बगिया से कुछ चीज़ें लेता हूँ और लेके तोड़ के और उन चीज़ों को तैयार करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर मेरी पौध तैयार है। ये देखिए, इस ग्रो बैग में, रेक्टेंगल ग्रो बैग में मैंने यहाँ पर देखिए कद्दू लगा दिया है, लौकी लगा दी है और यहाँ पर मैंने हरे वाले बैगन, ये देखिए हरे वाले बैगन मैंने यहाँ पर डाल दिए थे बीज, तो ये देखिए हरे वाले बैगन के बीज भी निकल आए। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ करेले, इधर देखिए ये करेले भी निकल आए, ये देखिए करेले भी अंकुरित हो गए और यहाँ पर भी करेले अंकुरित हो। ये देखिए तरोई, तरोई घिया जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर निकल आई है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर भी देखिए करेले, ये सारे करेले निकल आए हैं। और इधर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये तरोई के बीज भी अंकुरित हो गए। और यहाँ पर देखिए मैंने गर्मी वाले टमाटर, यहाँ पर गर्मी वाले टमाटर लगाए। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने हर जो है ना बैगन डाले हुए थे, ये बैगन निकल आई। और ये यहाँ पर देखिए मिर्ची, ये यहाँ पर मिर्ची डाली थी तो ये मिर्ची भी निकल आई है। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। तो इस तरह से अब जो ये सब्जियाँ तैयार हो रही हैं, इन सब्जियों में कीट भी आएगा, रोग भी लगेगा, तो इनको नियंत्रण के लिए पहले से ही दवा बनाकर रखनी। यहाँ पर देखिए लाल वाली भिंडी, ये लाल वाली भिंडी मैंने लगाई हुई है और ये दो एक एक पत्ते की निकल भी आई, दो पत्ते बदर प्लस जो लीफ होती है वो निकले, फिर इसके बाद उसमें एक लीफ भी निकलने लगी। अब यहीं से देखिए कीटनाशक तैयार करने के लिए, यहाँ से मैं ये देखिए मिर्ची छोड़ दी थी मैंने, ये बहुत तीखी मिर्ची है अपने ही बगीचे से, यहाँ से लेंगे अपने ही गार्डन से। यहाँ कितनी मिर्ची इसमें फरी हुई है, साइज देखिए ज़रा, मिर्ची का साइज़ देखिए कितना कितना बड़ा साइज है। और यही से तोड़ लेता हूँ और आप भी अपने घर में इसी तरह से मिर्ची के पौधे भी लगाइए, ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाइए और ऑर्गेनिक चीज़ें ही बनाकर स्प्रे कीजिए। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये लाल होने के लिए मैंने मिर्चियाँ यहाँ छोड़ दी थी, ये देखिए इतनी सारी मिर्ची मैंने यहाँ से ले ली और यहाँ पर भी बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है, मैं यहीं से तोड़ लेता हूँ। बस ये कोई चीज़ ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये देखिए यहाँ से इतनी सारी मैंने, ये इतनी सारी मिर्चियाँ तोड़ ली। अब चलता हूँ अपने ही बगीचे से कुछ और सामग्री लेता हूँ, इसके बाद में बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। अगर बनाने का तरीका, यहाँ पर मैं रख देता हूँ देखिए मिर्चियों को, इसके बाद में यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं कुछ पत्तियाँ लेता हूँ। इस पौधे का नाम बताइएगा आप लोग बताइएगा इस पौधे को क्या बोलते हैं। तो मैं इस पौधे की यहाँ से कुछ पत्तियाँ ले लेता हूँ, लगभग 50 ग्राम के लगभग इन पत्तियों को यहाँ से तोड़ लूँगा क्योंकि तो इसमें अब फूल आने का टाइम है तो ऊपर से कट नहीं करूँगा। कुछ पत्तियाँ मैं यहीं से ये ले लूँगा, ये देखिए ये सब कुछ अपने बगीचे में ही रहता है, ज़्यादातर औषधियाँ अपने ही बगीचे में है। और इनको बस इतनी 50 ग्राम के लगभग ये पत्तियाँ, 50 ग्राम के लगभग ये पत्तियाँ हो गई। चलते हैं अब इनको तरीका बताते हैं कैसे इनको तैयार करना और क्या क्या सामग्री इसमें डालनी है। देखिए यहाँ पर ये 50 ग्राम मैंने पत्तियाँ ली, इनका नाम आप बताएंगे कमेंट करके। अगर आपको इन पत्तियों का नाम नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा इन पत्तियों का क्या नाम है। पर वाकई में कमेंट में इसलिए बताने के लिए बोल रहा हूँ कि जिनको आवश्यकता होगी
वही कमेंट करेंगे, और जिनको आवश्यकता नहीं होगी मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे होंगे तो उनको जरूरत नहीं है तो वो कमेंट ना करें। जिनको जरूरत है पूछें ये पत्तियाँ कहाँ की थी, जो मैंने 50 ग्राम के लगभग ये पत्तियाँ ली और गार्डन से ली है, ये 50 ग्राम के लगभग मिर्ची, और यहाँ पर लिया है एक गांठ पूरी लहसुन की, और ये 30-40 ग्राम मेरे पास अदरक है, और एक गांठ यहाँ पर प्याज है, और कुछ मिर्ची ये मेरी पहले से गार्डन की तोड़ी हुई है, तो लगभग 50 ग्राम मिर्ची, एक गांठ लहसुन, एक गांठ प्याज। अभी इसमें कुछ चीज़ें और मिलाऊंगा, इसके बाद हम इनको क्या करते हैं इस मिक्सी के जार के अंदर डाल के इनको महीन सा पेस्ट बना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं पेस्ट नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट बनाना चाहिए, बस तरीका रखने का क्या है, इनको आप धुल लीजिए अच्छी तरह से पत्तियों को, क्योंकि पत्तियों में मिट्टी लगी रहती है, तो मैं इनको धुल के ही पेस्ट बनाऊंगा। देखिए इन सब सामान इसके अंदर भर देता हूँ और इसको सब धुल लिया जाएगा। इनकी आप चाहें तो मिर्चियों की ये डंठी जो है ना, डंडी इनको तोड़ दीजिए। अब देखिए सारा कुछ मैंने इसमें भर लिया, और भरने के बाद अभी इसका पेस्ट बनाता हूँ, समझे। ये देखिए अभी इसमें और चीज़ें मिलेंगी, भूल के मत छोड़ के मत चले जाइए क्योंकि बस पेस्ट बना दिया हो गया, अभी कुछ चीज़ें और मिलाई जाएंगी तब स्प्रे करेंगे, तब पावरफुल गर्मियों में मिली बग तक को ये साफ़ कर देगी। माहू लगता है, छोटी जो कीड़े लगते हैं, काले काले कीड़े लगते हैं, एक सफ़ेद रंग की मक्खी लगती है जो सबसे तना चूसक रस चूसक, सब में ये दवा काम आएगी, ये कीटनाशक सब में काम आएगा। अभी कुछ चीज़ें इसमें और मिलेंगी, तो अब इसको मैं आपको पीस के दिखाता हूँ। देखिए इसके बाद में मैंने जब इसको पेस्ट बना लिया है, जो ये सामग्री है ये देखिए, इसकी मैंने ये पेस्ट बना ली है, और पेस्ट बनाने के बाद ये इसमें पेस्ट बनाने के समय पानी नहीं डाला था, ये ध्यान रखिएगा। मैंने इसके अंदर पानी क्या डाला था वो भी जानकारी दूंगा। अब ये देखिए ये लिया है मैंने एक यहाँ पर कापर का जग, ये देखिए कापर का जग लिया है, और ये 2 लीटर का जग है। आपके पास कापर का जग ना हो तो आप प्लास्टिक में बना सकते हैं, पर उसमें आप कापर का टुकड़ा जरूर डाल दीजिए। अब यही पेस्ट, यही जो पेस्ट बनाया था वही ये पेस्ट मैं इसके अंदर देखिए डाल लेता हूँ। पूरा पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब इसके बाद में इसमें क्या डालना है देखिए, पर ये एक बात का ध्यान रखें, जिस जार पे आपने ये पत्तियाँ मिलाई थी इस जार का प्रयोग आप खाने की सब्जियों में या कुछ बनाने के लिए प्रयोग ना करें, इस जार को अलग ही रखें, क्योंकि वो जो पत्तियाँ थी वो बहुत पॉइजन वाली पत्तियाँ थी। इसलिए मैं पहले से आपको हिदायत दे रहा हूँ कि इसका प्रयोग आप इसको अलग ही रखें अपने किचन से, इसको धुल के आप अपने अलग जगह पे जहाँ गार्डनिंग करते हैं वहीं रख दें, जब कोई पेस्ट बनाए तो इसी का प्रयोग करें। तो मैं पहले से सावधानी आपको बताए दे रहा हूँ। इसके बाद में इसको मैं जो ये बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा देखिए ये डालता हूँ इसको, और इसमें लगभग 1.5 लीटर के लगभग इसी के अंदर मैं ये चीज़ डालूँगा, और इसका भी नाम बताऊँगा आपको। ये 1.5 लीटर के लगभग मैंने इसमें के अंदर ये क्या चीज़ डाली है, ये देखिए मैंने इसी से इसको धुल लिया। आप इसके अंदर ये देखिए अभी मैंने इसमें डाल दिया, आप इसके ये डाल दूं पहले मैं इसके अंदर लगभग 1.5 लीटर, ये देखिए ये 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर, ये 2 लीटर का जग था, लगभग 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। ये था डीकम्पोजर, देखिए मैं बताता चल रहा हूँ आपको, ये था डीकम्पोजर। अब ये और चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाएंगी। अब डीकम्पोजर इसलिए डाला, कुछ लोग इसमें गुड़ डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर काऊ यूरिन डालते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो बनाया ही जाता है गाय के यूरिन से, और गाय का जो गोबर होता है उसी से उसके पोषक तत्व निकाल के, कीड़े निकाल के, बैक्टीरिया निकाल के इससे इसमें बनाया जाता है जो डिकम्पोजर होता है। तो आप चाहें तो आप इसके अंदर यूरिन मिला सकते हैं, मगर अगर डिकम्पोजर आपने मिला दिया तो काऊ यूरिन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अलग से जब कभी ज़रूरत पड़ती है काऊ यूरिन की तो मैं रखता हूँ, इसलिए कि कभी किसी चीज़ में मिलाना। इसके बाद में आप, मैं इसमें काऊ यूरिन को नहीं मिलाऊंगा, इसमें मैंने क्योंकि डीकम्पोजर डाला है, और डीकम्पोजर आप चाहे तो इसके अंदर जैगरी भी डाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो गुड़ थोड़ा डालना चाहें तो डीकम्पोजर की प्रक्रिया को और तेज़ कर देगा अगर थोड़ा सा आप गुड़ डाल देंगे। पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डीकम्पोजर नया बनाया है, इसलिए मैं इसके अंदर गुड़ जैगरी नहीं डाल रहा हूँ। अब देखिए मैंने यूरिन कर दिया, यहाँ पर एक चीज़ मैं और इसके अंदर मिलाऊंगा, वो ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यही से मैंने लिया है, ये क्या चीज़ है, ये हरदम मैं 10 लीटर हर वक्त तैयार कर रखता हूँ। ये देखिए ये वह चीज़ है, दिखा दीजिए, इस ड्रम के अंदर 25 लीटर ड्रम के अंदर जो है ना, इसके 25 लीटर ड्रम के अंदर ये तैयार रहता है मेरा 10 लीटर। और ये है छाछ और कापर का टुकड़ा, जो कि कापर के ऐसा लगभग 1 किलो कापर मैंने इसके अंदर 10 लीटर के अंदर डाल रखा है, और मट्ठा जो होता है उसी से मैंने ये 200 ml निकाला है इसी से। और ये मैं हरदम तैयार, जितना ये छाछ का ये इससे क्या होता है,
मरोड़िया रोग किसी भी पौधे में किसी तरह का मरोड़िया रोग लगा होगा ना तो खत्म हो जाएगा। ये हरदम मैं तैयार कर रखता हूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर वक्त मेरे पास तैयार रहती, और ये जितना पुराना होता जाता उतना ज़्यादा अच्छा बन जाता। अब इसको भी देखिए, 200 ml ये पुरानी बनी हुई छाछ जिसमें कापर का टुकड़ा पड़ा हुआ, लगभग 6 महीने हो गए, और इसमें जब कम हो जाता तो मैं और ला के छाँच जो घर में बचती है मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। ये कभी ख़राब नहीं होता क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक। ये देखिए 200 ml इसके अंदर कापर से बनी हुई छाँच, वो भी मैंने इसके अंदर देखिए डाल दी। अब ये अभी भी रेडी नहीं हुआ, अभी भी ये रेडी, क्योंकि हमको बहुत पावरफुल बनाना है, इसको रखना कितने दिन है। देखिए ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद में मैं इसी से, क्योंकि अब इसको रखना है प्रयोग करने के लिए कम से कम नहीं तो 5 दिन 6 दिन आप इसको रखिए, इसके अच्छी तरह से ये जब वो हो जाए तब आप इसको डिकम्पोज हो जाएगा। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, उसे करना तुरंत नहीं चाहिए। तो ये देखिए, इसी में मैं यहाँ पर इसको धुल लेता हूँ, यहाँ पर इसमें छान लेता हूँ, चलिए इसी से निकाल लेता हूँ। ये डिकम्पोजर मैंने यहाँ रख दिया, डाल दिया इसी मग्गे में। मैं इसी से कितना 1 लीटर पानी में मिलाना है मैं आपको जान के, 100 ml 1 लीटर पानी में इसको मिलाएंगे 100 ml। ताज़ा है कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा, पर ये अगर 5-6 दिन रखा रहेगा तो और अच्छा काम करेगा। इसी से मैं छान के निकाल लेता हूँ लगभग 100 ml। ये देखिए यहाँ पर 100 ml निकाल लूँगा, और ताज़ा भी मैं अगर अपने पौधों में कपड़ा इसलिए लगा के छानना है छड्डी में कि कोई भी किसी तरह का कचरा ना जाए, नहीं तो हमारा स्प्रे पंप फंस जाएगा। ये देखिए आप ताज़ा भी स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया काम करेगा, पर अगर जितना पुराना हो जाएगा, और इसको बना के आप इसी मग के अंदर 1 महीने तक रख सकते हैं, 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा, इसका पावर 1 महीने तक कम नहीं होगा, 1 महीने बाद इसका थोड़ा सा पावर कम हो जाएगा, फिर आप इसको फिर नया बना लीजिए। ये देखिए जो कचरा बचा है इसका, जो जितना ये कचरा बचा, फिर मैं इसी जग के अंदर इसको डाल देता हूँ, और इसी कापर के जग के अंदर भर के मैं रखे रहूँगा। ये देखिए ये हो गया तैयार। अब इसके बाद इसको जो है ना मैं बंद करके ऐसे रख दूंगा, इसको ऐसे बंद करके छाए वाली जगह में रख दूंगा, और ये रखा रहेगा। इसके बाद में इसमें देखिए मैं ये 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी में 100 ml मिला दूंगा। ये देखिए 1 लीटर पानी में लगभग 100 ml मैंने इसको डाल दिया। 100 ml डालने के बाद अब इसके बाद इसमें आखिरी चीज क्या मिलाऊंगा, वो मिलाऊंगा यहाँ पे ओरिजिनल नीम की खली को। मैंने यहाँ पर इस बोतल में लगभग 200 ml डाल रखा, 200 ग्राम डाल दिया था, और 200 ग्राम में इसको 800 ग्राम पानी भर दिया था, और इसका प्रयोग ये 10-15 दिन में जब भी छिड़काव करता हूँ तो इसका प्रयोग जरूर करता हूँ, ये नीम की खली का पानी। ये देखिए इसमें गैस भी निकली, इसको भी मिलाऊंगा लगभग 100 ml मिलाऊंगा नीम की खली का पानी। ये देखिए ये लगभग नीम की खली का पानी इसमें 100 ग्राम। इसमें से अगर कोई चीज आपके पास ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो चीज आप हटा दीजिए, मगर इसमें ये पत्तियां जरूर मिलाइएगा, जो मैंने पत्ती मिलाई थी इस पत्ती को जरूर मिलाइएगा ध्यान। अब इसके बाद चलता हूँ अपने पौधों पर स्प्रे कर देता हूँ। शाम के समय स्प्रे करना चाहिए, पर मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ आप टमाटर में स्प्रे करिए, और जितनी भी सब्जियाँ आपने लगाई है लौकी में करिए, ये छोटे छोटे पौधे हैं ना, इनमें भी स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए ये टमाटर के पौधे में, ये देखिए टमाटर के पौधे में ऐसे स्प्रे कर दीजिए, भुनगा रोग जो लगता है वो नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से सब पौधों में आप स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पर इधर करेला लगा हुआ है, ये देखिए इन छोटे पौधे हैं, इनमें छोटे में अभी से स्प्रे करेंगे ना तो इनमें किसी तरह का रोग नहीं आएगा। इधर देखिए ये लौकी लगी हुई है, बहुत तेज इसमें माहू लगता है, छोटे से तना चूसक रस चूसक कीड़े लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी पत्तियाँ सुकड़ जाती हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ पौधे छोड़ रखे थे जिनमें स्प्रे नहीं किया, तो ये देखिए इन पे इस तरह से कद्दू में सब में स्प्रे कर दीजिए। और फिर देखिए इनमें जब शुरू से आप ऑर्गेनिक चीज का स्प्रे करते रहेंगे तो इनमें रोग लगेगा ही नहीं, जब रोग ही नहीं लगेगा तो पौधा खराब कैसे होगा। तो ये चीज़ आप बनाकर अपने 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, पर कापर के बर्तन में रखें, अगर कापर का बर्तन नहीं है तो प्लास्टिक के डब्बे में बनाए, उसमें कापर का टुकड़ा डाल दें लगभग 100 ग्राम तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।